है ना। गलती से क्यों डरते हो? गलती से नहीं डरना है कभी भी। जानबूझ के की गई जो गलती होती ना वो गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। बट जो अनजाने में गलती हो जाती है, जो सीखते वक्त गलतियाँ हो जाती है, उनसे नहीं डरना चाहिए। होती रहती हैं, क्या होता है, जब वो गलतियाँ होंगी तभी तो अपन उसको सही करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती, मेरे को पानी से डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को मैथ से डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अकेला घूमने नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे को अकेला रहने से बहुत डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे को साइंस से बहुत डर लगता है। सबका अपना अपना डर है, बट डर पे जीत कैसे पाएंगे? वो माउंटेन ड्यू का तुमने एड तो सुना ही होगा, डर के आगे जीत है। बट एड की तरह काम नहीं करना है, वो तो चलो कमर्शियल एड है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बट अपन अपनी लाइफ में इस चीज़ से क्या सीख सकते हैं? यही सीख सकते हैं ना कि हमको क्या करना चाहिए। जो चीज़ें हमें नहीं आ रही है या जो चीज़ से हमको डर लगता है, किसी स्पेशल गाइडेंस में, जैसे आपको मान लो स्विमिंग नहीं आती और अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो क्या करना चाहिए? अब आपको ऐसा तो ये नहीं है कि जाके तालाब में कूद जाना चाहिए, नहीं ना, उसमें तो डेथ होने का खतरा है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी को स्विमिंग सीखनी है तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? सबसे पहले एक टीचर के पास जाएगा जिनको अच्छी स्विमिंग आती है, या कोई पड़ोस के भैया जिनके ऊपर अपन ट्रस्ट कर सकते हैं उनके पास जाएगा। उनको बोलेगा कि वो भैया कुछ कहेंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शन तुम फॉलो करोगे, फिर वो एक दिन तुम्हारे को स्विमिंग पूल में लेके जाएंगे। सीधा समुद्र में नहीं लेके गए तुमको, न कहीं तालाब में लेके गए, स्विमिंग पूल में लेके गए। ऐसा स्विमिंग पूल जिसकी डेप्थ जो है बहुत कम है, इतनी डेप्थ ही है, ठीक है, ताकि तुम अगर डूब भी जाओ तो वापस उठ खड़े हो सको। वहाँ ले गए, फिर तुमको बोला धीरे धीरे कि भाई कोशिश करो कि तुम पैर पर खड़े नहीं रहो पानी में, पैरों को ऊपर उठाओ। जब तुम पैरों को ऊपर उठाओगे तो मुंह नीचे जाएगा पानी में, पानी के मुंह नाक के अंदर पानी भी भरेगा, तुमको बुरा लगेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा तुमको, पर वो टीचर तुम्हारे साथ होगा, वो तुमको उठाए रखेगा, वो भी पानी के अंदर स्विमिंग पूल में तुम्हारी हेल्प कर रहा है। ऐसे सीखोगे स्विमिंग। एक टाइम आएगा दो चार पाँच बार जब तुम्हारे नाक में पानी भर जाएगा, खांसी चलेगी, जुकाम हो जाएगा, दो एक दो दिन बीमार पड़ोगे, फिर भी जाओगे दो चार दिन बाद बीमार होने के सही होने के रिकवर होने के बाद में वापस सिखाएगा। ऐसा दो तीन बार होगा, तुम्हारा नाक में पानी भरेगा दो पाँच दस दिन तक, फिर एक दिन ऐसा आएगा वो सूरज की किरण निकलेगी, जिस दिन तुम्हारे को वो टीचर स्विमिंग कराता कराता जब तुम्हारे को उठा रखा होगा ना, और तुम जब स्विम कर रहे होगे तब जैसे ही छोड़ेगा तुम बिना गिरे हुए तैरते हुए आगे निकल जाओगे। कैसे पॉसिबल हुआ भाई? घर बैठे हुआ? YouTube पे फनी वीडियोस देखने से क्या होता है? जब YouTube पे स्विमिंग की वीडियो देख लेता तो क्या हो जाता, सीख जाता क्या? नहीं ना, आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा। यू हैव टू डू सम एफर्ट, आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे ना तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको मैथ्स, अगर आपको साइंस, या अगर आपको और किसी सब्जेक्ट में डर लगता है तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप दूसरों को देख के डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा चाहता है कि मैं सीखूं, जैसे किसी का मोटिवेशनल वीडियो सुना और वो चाहता है कि मैं सीखूं, मोटिवेट तो हो गया वो, बट अब क्या प्रॉब्लम आती है, जब वो दूसरों को देखता है अपने फ्रेंड्स को, तो जिस स्पीड से वो पढ़ रहा है, जिस स्पीड से वो सम सोल्व कर रहा है, जिस स्पीड से वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, वो जो बच्चा जो सीखना चाहता है उसकी डबल या ट्रिपल स्पीड से वो दूसरा उसका जो नियर बाई फ्रेंड है वो सोल्व कर रहा है, उसको देखता है और डिप्रेशन में चला जाता है। उसको लगता है यार अपने को तो कुछ नहीं आता, आई एम डफर, आई एम फूल। बट सोचो क्या उसको मतलब डायरेक्ट आ गया है क्या ये स्पीड, मतलब जब से वो उसने स्टार्ट किया तब से आ गया है क्या, जब से पढ़ने लगा तब से? उसने भी एक दो साल पहले या इसी साल गर्मी की छुट्टियों में या कभी घर पे जाके प्रैक्टिस करी होगी, वो भी गलत सम किया होगा उसने भी, वो भी गिरा होगा, पड़ा होगा, थका होगा,
हाँ, उसके साथ भी तो हुआ होगा ये जो तुम्हारे साथ हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान विष्णु का अवतार है कि उतरते ही उसको सब कुछ आता है। और अगर अवतार हो तो उसको एक काम करना, फिर कुछ दूसरी बुक में से क्वेश्चन दे देना बड़ी क्लास के 11th 12th, या फिर कोई बैचलर डिग्री के क्वेश्चन दे देना कहीं से भी, फिर देखना करके दिखाता कि नहीं दिखाता। वो विष्णु का अवतार नहीं है, न तुम हो, बट तुम उसकी तरह बन सकते हो। ट्राई करना ही पड़ेगा तुमको, नहीं करोगे तो फिर आगे भी दिक्कतें आती रहेगी। स्विमिंग एक बार सीखनी होती है, उसके बाद में चाहे पुल हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे समंदर हो, चाहे कोई बाढ़ आ गई हो, हमेशा काम आती है वो, हमेशा। ऐसा नहीं है कि स्विमिंग पूल में जो स्विमिंग सीखी है वो नदी में काम नहीं आती, या नदी में जो स्विमिंग सीखी है वो स्विमिंग पूल में नहीं आती। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। यानी आपको एक हुनर सीखना है, आपको एक तरीका सीखना है, उसके बाद में वो तरीका हर जगह अप्लाई होता है। हम टीचर्स का यही काम है कि तुम जब भी स्विमिंग सीखना चाहो तो हम तुमको ऊपर उठा के रखें पानी में, और टाइम टाइम पर थोड़ा थोड़ा छोड़ दें तुमको, ताकि हम ये देखें कि तुम ढंग से स्विमिंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तुम सीखे या नहीं सीखे। तुम जैसे ही गिरने वाले होते हो हम वापस उठा लेते हैं तुमको, और हम उठाना चाहते हैं तुमको। अब तुम जब स्विमिंग क्लास में आओगे ही नहीं, जब तुम बताओगे ही नहीं कि मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूँ, तो कैसे सिखाएं हम? घर पे आके, घर पे बाथरूम के टब में सिखाएं स्विमिंग? इसलिए अगर आपको मैथ सीखनी है, अगर आपको साइंस सीखनी है, अगर आपको कोई भी अदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। क्लास ज्वाइन करो ना आप, क्लास आपकी स्विमिंग क्लास है। जैसे स्विमिंग सीखने के लिए आपको स्विमिंग पूल में जाना है, वैसे ही आपको मैथ्स साइंस अदर सब्जेक्ट सीखने के लिए आपको वीडियो क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ज्वाइन करिए आप। ज्वाइन करने के बाद में ऐसा नहीं कि छोड़ के चले गए, गेम खेल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं या अदर वीडियोज देख रहे हैं। ज्वाइन किया तो अब स्मार्टली उसको यूज करो, उसको सीखो, उस पर अटेंशन दो। बहुत बच्चे देखे मैंने ज्वाइन करके चले जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। स्विमिंग क्लास में गए तुम, टीचर्स को फीस दी, और फिर घर से कह रहे हो और सर बढ़िया, यस सर मैं स्विमिंग बढ़िया सीख रहा हूँ। ऐसे होता? ऐसे सीखोगे स्विमिंग? ऐसा नहीं होता ना यार। ऐसे अगर स्विमिंग सीखी जाती ना तो हर कोई आदमी स्विमर होता, बट है नहीं। ऐसे अगर पढ़ाई होती ना तो सबको मैथमेटिक्स आती है, सबको साइंस आता, सबको हिंदी आता, सबको संस्कृत आता, सबको सोशल साइंस आता, सबको फिजिक्स आती, केमिस्ट्री आती, मैथ्स आता, सबको बायोलॉजी आता, साइकोलॉजी आता, सबको कंप्यूटर साइंस आता, सबको आर्ट्स आता, सबको कॉमर्स आता, सबको, बट सबको सब नहीं आता। फीस देने से थोड़ी चीज़ें आती है। ऐसे तो अगर फीस देने से चीज़ें आती तो जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वही सीख पाते सब कुछ। फिर गरीब लोग क्या सीखते? कुछ नहीं। इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया आगे जा रहा है, और इंडिया आगे बढ़ रहा है उसका कारण ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अमीर तो वैसे भी आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को अमीर के आगे बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आगे बढ़ें, वो और आगे बढ़ें, मैं तो चाहता हूँ कि बहुत आगे बढ़ें, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा गरीब भी आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा मिडिल क्लास भी आगे बढ़े। वो तब बढ़ेगा जब मिडिल क्लास और गरीब वर्ग
केवल फीस नहीं देके, फीस देने के बाद बदले उससे सीखेगा भी कुछ। आप वीडियो क्लास ज्वाइन करो, क्या अटेंडेंस है तुम्हारी, क्या अटेंडेंस है तुम्हारी लाइव क्लास में, तुम्हारी अटेंडेंस कितनी है पता तुमको? मैं वीडियो में बोलना नहीं चाहता हूँ, बट लाइव क्लास में तुम्हारी कितनी अटेंडेंस है तुम खुद जानते हो। वीडियो में कितनी अटेंडेंस है, वीडियो में लिंक, मैं वीडियो व्यूज देखता हूँ, मेरे को मेरे व्यूज से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे को अगर कोई बोलेगा ना कि व्यूज के लिए कर रहा है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं किसी दूसरे के अकाउंट से वीडियो डाल दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को व्यूज नहीं चाहिए। और किसी टीचर को नहीं चाहिए यार व्यूज, किसको चाहिए व्यूज, किसी को नहीं चाहिए। आप ज्वाइन तो व्यूज तो बहुत आ जाते हैं, बट उसमें से पढ़ा कितना हमें पता ना, कितना पढ़ते, एक बार क्लिक करने पे व्यू बढ़ जाता है। इसका मतलब ये थोड़े कि आपने 30 मिनट का 40 मिनट का वीडियो पूरा देख डाला और उसके बाद में उसको रिवाइज भी किया, नहीं ना। मैं तो ऐसे मेजर नहीं करता हूँ कि व्यूज आ गए इसका मतलब हो गया, और दूसरे टीचर भी नहीं करते। रोज एक घंटे का या आधे घंटे का जो भी वीडियोज आपको सेंड किया जा रहा, उस वीडियो को पूरा अटेंटिवली देखो अच्छे से। उस वीडियोस को देखने के बाद जो भी टीचर ने क्वेश्चन कराए, उन क्वेश्चन को वापस एक दो तीन क्वेश्चन को वापस ट्राई करो, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो। और फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे ट्राई करो जो टीचर ने क्लास में नहीं करवाए हैं, एज ए होमवर्क दिए हैं। डायरेक्ट PDF सॉल्यूशन से कॉपी मारने से क्या फ़ायदा है, इससे बढ़िया तो एक काम करो ना, कि बाजार से मार्केट से सॉल्यूशन बुक लेके आ जाओ और छाप दो पूरी की पूरी। या फिर एक काम कर, ऐसे क्यों नहीं काम किया स्कूल वालों ने कि भाई अगर उनको सॉल्यूशन ही चाहिए नोटबुक के, नोटबुक बहुत करते हैं स्कूल वाले कि भाई यार नोटबुक सबमिट कराओ, तो ऐसा क्यों नहीं कर दिया स्कूल वालों ने कि भाई नोटबुक की जगह ऐसे करते हैं कि टीचर सब स्टूडेंट को बोल देते कि भैया इस बुक का जो सॉल्यूशन है वो सबमिट करा देना, तो एक काम करना सॉल्यूशन लेके आ जाना मार्केट से, सबमिट करा देना। स्कूल वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम सब जानते हो कि ऐसा क्यों नहीं किया, पर तुम फिर भी उस चीज को सोचते नहीं हो। ऐसा क्यों किया तुम सब जानते हो। हमको अगर सॉल्यूशन का प्रिंट आउट ही चाहिए होता तो ऐसे ही करवा लेते हम प्रिंट आउट, क्यों परेशान करते तुम बेचारे बच्चों को, भोले भाले। हाँ, इसलिए बोल रहा हूं, खुद को धोखा देने का मतलब खुद को धोखा देना है। तुम टीचर्स को, स्कूल्स को, पेरेंट्स को और रिलेटिव्स को धोखा नहीं दे सकते हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। उनको क्या धोखा दोगे, हाँ,